कन्नौज रेंज आईजी का पदभार ग्रहण करने के बाद आईजी शिवदीप लांडे सभी चार जिलों का अपराध समीक्षा कर रहे हैं। अपने समीक्षा के लिए लांडे संबंधित जिले में जाकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में फाइलों को देखते हैं और अपराध के साथ अपराधियों की कार्यशैली पर जानकारी लेते हैं। इसी समीक्षा के दौरान मुजफ्फरपुर SSP कार्यालय पहुंचे, जहां शिवदीप लांडे ने जिले के अपराध की समीक्षा की है। रूटीन अपराध, साइबर अपराध और भूमाफिया द्वारा संगठन अपराध को अलग अलग नजरिए से वर्गीकृत किया। पत्रकारों से बात करते हुए शिवदीप लांडे ने कहा कि पुलिस महानिरीक्षक लांडे ने कहा कि मुजफ्फरपुर में संगठित अपराध फिलहाल नहीं चल रहे हैं, अलबत्ता भूमाफियाओं का एक रैकेट है जो यहां क्रियाशील है। इसको लेकर CDPO स्तर पर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अगर भूमाफियाओं से किसी भी पुलिस पदाधिकारी का आंतरिक या बाध्य संबंध पाया जाता है तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इस मामले में कोई भी पहुंच पैरवी काम नहीं आने वाली है। देखिए स्मैक ड्रग्स, ये जो कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स है, ये चैलेंज वो उस लड़के के लिए या जो भी कंज्यूम करके क्राइम करता है उसके लिए, उससे ज़्यादा बड़ा चैलेंज ये सोसाइटी के लिए भी है और एज अ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी पुलिस के लिए भी है। वो इसलिए है कि जब वो स्मैक या कोरेक्स पी के जो क्राइम करता है उसको पता नहीं होता है कि क्या कर रहा है करके, और उस इसमें किसी का मोबाइल भी छीन लेता है, किसी का बाइक छीन लेता है, किसी के कैश छीन लेता है। हालांकि अगर कैश 2000 भी छीन ले और 2 लाख भी छीन ले तो वो लूट के इसमें दर्ज होता है 392 में। तो हमारे लिए वही चैलेंज है, 2 लाख के लिए भी वही चैलेंज है और 2000 के लिए भी वही चैलेंज है। तो एक जो है कि ये जो कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स कन्वर्ट हो रहा है क्राइम में यंगस्टर्स के द्वारा, तो ये एक चैलेंज हमारे लिए है। दूसरी बात है कि कंजम्पशन ऑफ जो ड्रग्स है यूथ में, इसमें सिर्फ समाज ही नहीं उसके परिवार को भी देखना चाहिए। मैंने ड्रग्स में काफ़ी काम किया है मुंबई में एंटी नार्कोटिक सेल में, तो देखा गया है कि वो जो शुरुआत होती है वो स्मोकिंग से स्टार्ट होती है और वो बाद में जो डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स पे जाती है, पहले नेचुरल ड्रग्स पे जाती है, बाद में सिंथेटिक ड्रग्स पे जाती है। अभी फिलहाल में जो है यहाँ पे कंजम्पशन जो है सिंथेटिक ड्रग का ही कंजम्पशन ज़्यादा दिख रहा है, तो इसमें एक स्पेशल ड्राइव चला के कार्रवाई करने की आवश्यकता है। संगठित अपराध से लगाम के लिए, संगठित अपराध से संबंध में अभी विस्तृत तौर पर चर्चा हुई है, उस टाइप से एक बड़ा कोई गिरोह संगठित तौर पर दिख नहीं रहा, लेकिन हाँ एक जो इनपुट है कि लैंड से रिलेटेड कुछ है यहाँ पे लोग जो कि संगठित तौर पे जिनका प्रीवियसली क्राइम भी हुआ है उस संबंध में, और उस तरह के इन्फ्लुएंशियल ग्रुप भी यहाँ पे काम करते थे। और मेरे लिए मुझे लगता है कि जो भू माफिया लैंड माफिया है यहाँ पे, वही एज ए IG के ऑफिस के तौर पे मैं इंश्योर करता हूँ। ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज अभी फिलहाल में मुजफ्फरपुर के लिए, हाजीपुर के लिए डिफरेंट है, सीतामढ़ी के लिए डिफरेंट है और शिवहर के लिए डिफरेंट है। तो यहाँ तो बस, और जब SDPO से डिस्कशन हुआ तो मेरा क्लियर कट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे था कि अगर कोई भूमाफिया से साठगांठ वाला पुलिस पदाधिकारी दिखता है तो मैं उसको बख्शने वाला नहीं हूँ, चाहे कहीं से कहीं भी प्रेशर आए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो क्लियर कट डायरेक्शन है कि ये जो भूमाफियाओं का यहाँ पे चलता है नेक्सस, तो सतर्क हो जाए। आने वाले समय में आपको उसका रिजल्ट भी दिख जाएगा कोई अगर उस टाइप से मेरे संज्ञान में कोई बात आती है।